हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और मैथ्स स्पेशल क्लास इंतजार खत्म हुआ फाइनली। सिंपल इंटरेस्ट चला था लास्ट क्लास में, याद होगा तुम्हें तो जिसमें पार्ट टू, कौन सी पार्ट टू की क्लास है आज, मतलब कि एक क्लास हो चुकी है सिंपल इंटरेस्ट की, आज दूसरी क्लास है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, जिसमें आज हम देखेंगे गुना वाले सवाल। कौन से वाले सवाल? गुना, एन गुना वाले सवाल, जो कई बार गुना वाले होते हैं उस तरह के सवालों की श्रृंखला आज हम सीखेंगे। तो बहुत मजा आएगा आज के सेशन में, काफी अरसे बाद लौटे हैं मैथ्स स्पेशल क्लास में। कोई बात नहीं, फटाफट वीडियो को सब लोग शेयर कर दो भाई, हर जगह बता दो कि मैं बैक हो चुका हूं। तो एक बार सब लोग वीडियो को शेयर कर दो फटाफट यार, प्लीज। हाँ, हम्बल रिक्वेस्ट है तुमसे कि एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो कि शुभम सर की क्लास आ चुकी है स्टडी 91 पे और टाइम हो चुका है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल फुल एंजॉय के साथ, ठीक है ना। तो क्लास शुरू करते हैं, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सबसे पहले काम क्लास का यही। अब एन गुना वाले सवाल के लिए चलते हैं सवालों की तरफ, ढेर सारे सवाल हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे यहां पे देखो, एक साधारण ब्याज की दर से प्रतिशत में, दर की प्रतिशत में कितनी है, मतलब साधारण ब्याज की दर कितनी है, रेट आपसे पूछा है कितनी है, जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की तीन गुनी हो जाती है। व्हाट इज द रेट ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट एट विच सम ऑफ द मनी बिकम्स द ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ इन 50 इयर्स। वाह भाई वाह, 50 साल में कोई पैसा अपने का तीन गुना हो रहा है तो कितने रुपए का इंटरेस्ट, कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगा है, यही आपसे पूछा है। चलो यहां से लॉजिकल जरा समझो। देखो, मान लो कि आपका प्रिंसिपल था कितना, प्रिंसिपल था आपका 100%, ये तीन गुना हो गया, यानी आपका अमाउंट आ गया 300%। कितने साल में ये हुआ है? 50 साल में ये हुआ है। कितने साल में ये हुआ है? 50 इयर्स में हुआ है, ठीक है ना। 50 साल में ऐसा हुआ है, मतलब आपने किसी को 100 रुपया उधार दिया, आपने किसी को 100 रुपया उधार दिया, वो 50 साल में तीन गुना हो गया, तीन गुना मतलब 300% हो गया। कितने साल में? 50 साल में। 50 साल में तीन गुना हो गया, इसका क्या मतलब है भैया कि 50 साल में तीन गुना हो गया? इसका मतलब है, समझो ध्यान से, उस पे एसआई कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट कितने का आया है? आप बताओ, 100 रुपए के समान थे 300 रुपए, 100 रुपए आपने दिया था, वो 300 रुपया हो गया, मतलब आपको 200% का एसआई मिला है। अच्छा, ये 200% का एसआई कितने साल में है? 50 साल में। और आपको पता है कि एसआई हर साल के लिए समान होता है, ये बात तो आपको पता है, यानी 50 वर्ष में आपको 200% ब्याज मिला है, तो एक वर्ष में यानी रेट कितना हो जाएगा, 200% डिवाइड बाई 50, कितना आ जाएगा आंसर? 4% की रेट लगेगी। कितने परसेंट की रेट लगेगी भैया? 4% की रेट लगेगी, यानी इसका आंसर 4% हो जाएगा। एकदम बेसिक तरीका, एकदम बिलो तरीका, जहां से हर बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। चाहे आप कोई भी बच्चा क्लास देखे भैया, उसको बहुत प्यार से बातें समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है, ठीक है, झाला। चलो, अब एक तरीका तो ये हो गया, ये मेथड नंबर वन है। ठीक है, अब मेथड नंबर टू सुनो। इसके लिए एक और ट्रिक सी, जैसे मान लो, ट्रिक मान लो या कहानी मान लो, ऐसा लिखा होता है आरटी बराबर में एन माइनस वन इंटू में 100। जब भी एन गुना वाला सवाल आएगा, एन गुना के लिए ये ट्रिक होती है। आरटी मतलब या तो आर दिया रहेगा या तो टी दिया रहेगा, या तो टी दिया रहेगा, आर पूछेगा, आर दिया रहेगा। अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं याद है तो ये तरीका बताया, तो यहां पर इसमें तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। RT बराबर n माइनस वन इंटू में 100। अब लगाओ, R आपसे पूछा है, T आपको 50 दिया है, n कितना है? तीन गुना। कहाँ गया है? तीन गुना। तीन गुना मतलब कि 3 - 1 और गुड़े में 100, यानी कितना हो गया? R गुड़े 50 बराबर में 2 - 100 मतलब 200। यहां से R बराबर 200/50, कितना आ गया? 0-0 कट गया, इसने काट दिया 4% का रेट, ठीक है ना। तो इससे भी लगा सकते हो, आरटी बराबर जितना गुना है उससे एक कम करके गुणे में 100। अब डायरेक्ट ट्रिक इसके लिए क्या है कि सर डायरेक्ट कैसे लगाएं, ये तो तरीका आपको समझ में आ गया। देखो, देखो समझो ध्यान से, ये तो आपको डायरेक्ट समझ में आ गया। अब डायरेक्ट लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, समझो ध्यान से मेरी बात को। मैंने क्या बताया कि एन गुना हो जाता है ना, एन गुना हो जाता है ऐसा कहा हुआ है, एन गुना हो जाता है,
तो आपको डायरेक्ट ट्रिक लगानी है, क्या भैया रेट पूछा है तो रेट निकाल दो डायरेक्टली, कितना गुना हो जाता है वही वाले, ये जो यहां पे लिखा हुआ था ना आरटी बराबर एम माइनस 1 इनटू 100, उसी को सॉर्ट कर देते हैं, कितना गुना हो जाता है 3, 3 में से कम करो 2, 200 कर दो डिवाइड बाय कितना साल दिया हुआ था 50 साल, यहां से आ गया डायरेक्टली 4%, ये रेट आ गई आपकी डायरेक्टली। ये मेथड नंबर 3 जहां पे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं सवालों को, वही तरीका है यार, कुछ भी अलग नहीं, बस आपको बताया जा रहा है छोटा हो गया। एक राशि 15 वर्ष में दुगुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है, देखो आर परसेंट आपसे पूछा है, ठीक है, देखो आपसे क्या पूछा है, आर परसेंट आपसे पूछा है, मैंने क्या बताया आर परसेंट के लिए, जितना गुना होता है उससे एक कम करो, कितना गुना होता है 2 गुना होता है, 2 गुना से एक कम करिए आप 1 गुना, और उसी में 100 का गुणा कर दीजिए और समय से भाग कर दीजिए, 15 से भाग कर दीजिए, 15/100 मतलब कि 5 से काट देंगे तो 20/3 यानी 6/2/3% 6/2/3% ये आ गया रेट आपका। डायरेक्ट ट्रिक लगा रहे हो आप, डायरेक्टली ट्रिक लगा रहे हो, बहुत ही शानदार सी ट्रिक होती है, अगर कभी भी गुना वाला सवाल आए तो जितना गुना दिया है उससे कम करो गुणे में 100, और अगर रेट पूछा है तो समय से भाग करो, और समय पूछा है तो रेट से भाग करो, बस। अगला देखो, 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, इस बार समय पूछा है, समय पूछा है तो क्या करना है, कितना गुना होता है 3 गुना 3 से एक कम करो 2 गुणे 100 करो 200 और डिवाइड बाय रेट परसेंट मतलब कि 10 से 10 कट गया यानी 20 वर्ष लगेगा। अरे शानदार सी ट्रिक तो काम कर रही है, बताओ शानदार सी ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, अरे कर तो रही है भैया, वही वाली ट्रिक, क्या बताया था मैंने वो ट्रिक, क्या बताया था मैंने वो ट्रिक, मैंने बताया था कि जितना दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है, जितना गुना दिया हुआ है उससे एक कम करो गुड़े 100 करो, जितना गुना दिया हुआ उससे एक कम करो गुड़े 100 करो, यहां पे 3 गुना दिया हुआ था 3 से कम किया 2, 2 गुड़े 100 200, अगर रेट दिया है तो रेट से भाग, समय दिया है तो समय से भाग, बस आ जाएगा आंसर। बेसिक तरीका पहले में बताया, फॉर्मूला तरीका दूसरे में बताया, ट्रिक बताया पहले दूसरे तीसरे सब में तो बता दिया, सब तरीका बता दिया, कुछ भी बचा नहीं। चलो साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिससे कोई धन 16/2/3 वर्षों में दोगुना हो जाती है, देखो यहां से रेट परसेंट पूछा है, दोगुना हो जाती है, दोगुना का मतलब होता है 2 से कम करो, जितना गुना है उससे कम करो, कितना आएगा 1 गुना, 1 गुना मतलब 100 डिवाइड बाई समय से भाग कर दो, रेट पूछा है तो समय से भाग, रेट पूछा है तो समय से भाग, समय कितना है, अब इसको चेंज कर लो यार, 16/3 = 48 50 ने काट दिया इसको दो बार में, 3 ऊपर चला गया, 3×2 = 6%, 6% का रेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6% का रेट आ जाएगा भैया, आंसर आ गया, आ तो गया आंसर, एकदम आसान तरीका, कुछ भी नहीं। अगला देखो, किसी राशि को 10% ब्याज की दर से दुगना हो जाने में समय लगेगा समय आपसे पूछा है, टी बराबर दोगुना हो जाने में, दोगुना का मतलब होता है एक कम कर दो 100 डिवाइड बाई 10 से भाग कर दो, 10 वर्ष लगेगा, बहुत हो गया इस तरह का सवाल, छोड़ो। अगला सवाल देखो, कितने समय में किसी राशि पर 10% दर से साधारण ब्याज उस राशि का 0.225 हो जाता है भैया, अब क्या करोगे अच्छा बताओ यहां पे कितना गुना दिया, अब तो 2 गुना 3 गुना दे रहा था तो आप डायरेक्टली एक कम कर दे रहे थे, यहां पे क्या करोगे, चलो कुछ नहीं करोगे, समझो देखो कितने समय में, पहले बेसिक से ध्यान से समझ लो तब ट्रिक समझ में आ जाएगी, 100% आपका अमाउंट रहा होगा, ठीक है 100% आपका अमाउंट रहा होगा, राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज उस राशि का, ये ब्याज दिया है आपको साधारण ब्याज उस राशि का, मतलब यहां से आपको डायरेक्टली एसआई दिया है, राशि का हो जाता है कितना हो जाता है 12 मतलब 100% का 0.125 हो जाता है, यानी ये कितना हो जाएगा 12.5% आपका एसआई आ जाता है, आपका एसआई आ जाता है। और से क्या पूछा, कितने समय में किसी राशि का 10% इतना हो जाता है, आपसे ये पूछा है कि कितने समय में आपको इतने का ब्याज मिलेगा, ये ब्याज ही तो है, ये क्या है ब्याज ही तो है, ये कितने समय में मिलेगा आपसे ये पूछा है, ये आपका ब्याज है 12.5% का, ये कितने समय में मिलेगा मतलब टाइम आपसे पूछा है, तो टाइम आपसे पूछा है तो आप क्या बताएंगे 12.5 का आपको ब्याज मिल रहा है कितने समय में 10% की रेट के हिसाब से, तो यहां से 125/100 5/4 तो 4×1=4 1 सही 4
इतना ईयर्स, चार से ही एक बटे चार, हाँ एक से ही एक बटे चार समय लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया हुआ, सुनो ध्यान से, सवाल पढ़ोगे तब आपका लॉजिक क्लियर होगा। क्या बोला है? कितने समय में किसी धनराशि, किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज उस राशि का 0.125 गुना हो जाएगा, मतलब साधारण ब्याज हो जाएगा, मतलब यह साधारण ब्याज दिया है, 100% आपकी राशि है, 100% राशि पे आपका जो ब्याज हो जाएगा वो 0.125 गुना हो जाएगा। तो 100% में 0.125 गुना करेंगे यानी 12.5% का आपका ब्याज आएगा। ये ब्याज कितने समय में आएगा आपसे ये पूछा है, समय आपसे डायरेक्टली समय पूछ दिया है। 10% आपको रेट दिया है, मतलब एक साल में आपको 10% का ब्याज मिलेगा। तो 12.5% का ब्याज लेने के लिए आपको कितना समय देना पड़ेगा? तो 12.5 बटे में 10 कर देंगे, तो इसका मतलब एक सही एक बटे चार साल, मतलब कि चार में अगर भाग कर दें तो तीन महीना, एक साल तीन महीना लगेगा। वर्ष में दिया ऑप्शन तो वर्ष में हमने बता दिया, वरना एक साल तीन महीना लगेगा। अरे सोचो, देखो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको SI कितने का मिला है ये पता नहीं कितने साल का मिला है, लेकिन इतना मिला है, 10% एक साल में मिलेगा, समझो ध्यान से, 10% एक साल में मिलेगा। 10% अगर एक साल में मिलेगा तो 12.5% कितने साल में मिलेगा? 10% एक साल में, फिर 2.5% और है, तो 10 का 1/4 मतलब 2.5 होता है, तो 2.5 मतलब 1/4 मतलब 3 महीना मिल जाएगा, तो वही है एक सही एक बड़ा चार साल। समझ में आ रहा, आ गया ना समझ में? चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अगला देखो, एक निश्चित धन से कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में ये 4 गुना हो जाएगा? अब समझो यहां से पहले बेसिक से समझो, यहां समझो, कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाता है, 100% का आपका प्रिंसिपल है, दो बार एन गुना वाले सवाल है, और अमाउंट कह रहा है कि दो गुना मतलब कि 200% हो जाएगा। ठीक है भैया, यहां से बताओ आपको कितने का SI मिला? 100% का SI मिला है। ये 100% का SI कितने साल में है? 6 साल में है, 6 साल में है, यानी रेट कितना आ गया? 100/6, ये आपका एक साल का रेट निकल के आ गया। बेसिक तरीका बता रहा हूं, पहले एकदम बेसिक तरीका। अब कह रहा है कि जो आपका प्रिंसिपल 100% है, ये यहां पे आपको समय दिया था 6 साल, ठीक है, इस बार आपसे पूछा है कि कितने साल में, क्या आपसे इस बार पूछ दिया है कि कितने साल में, कितने साल में यह 4 गुना हो जाएगा, मतलब कि 400% हो जाएगा। अच्छा बताओ आपको यहां से SI कितने की मिलेगी? 300% की मिलेगी। अगर अमाउंट आपका 400% है, प्रिंसिपल आपका 100% है, तो इसका मतलब 300% का आपको साधारण ब्याज मिलेगा। कितने साल में? अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है तो आप साल बता सकते हैं, टाइम आपसे पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100/6 है और SI आपका 300% है, यानी 300/ में क्या हो जाएगा? 100/6, ठीक है, 100 से 3 बार में कट गया और 18 वर्ष लग जाएगा। कितना वर्ष लग जाएगा मेरे भैया? 18 वर्ष लग जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? जल्दी बताइए। अरे एकदम आसान सा लॉजिक है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको ना समझ में आए, बहुत प्यारा सा सवाल है और बहुत प्यारी सी टेक्निक है इस सवाल को लगाने के लिए। देखो क्या है टेक्निक और क्या है सवाल, समझो, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो आपने मान लिया कि कोई धन जो था वो 100% था, 6 वर्ष में दोगुना मतलब कि 200% हो गया, 6 वर्ष में दोगुना इसका मतलब 200% हो गया, 200% हो गया तो कितने का SI मिला है? तो आपको पता चला कि 100% का SI मिला है, लेकिन कितने साल में? तो 6 साल में, तो 1 साल का रेट कितना बनेगा? 100/6%, ये 1 साल का रेट बन जाएगा, 1 साल का रेट आ गया, ठीक है, ये 1 साल का रेट आपने निकाल लिया। अब यहां से समझो, 1 साल का रेट तो आपने बता दिया, अब आपसे कह रहा है कि वही प्रिंसिपल कितने साल में 400% हो जाएगा, कितना कह रहा है? 4 गुना हो जाएगा, मतलब 400% हो जाएगा, ठीक है, 400% हो जाएगा, तो कितने का ब्याज बनेगा आप बताओ? यहां से 100 आपका प्रिंसिपल था, 400 का आपका अमाउंट आ रहा है, मतलब आपको 300% का ब्याज मिलेगा। ये 300% का ब्याज कितने साल में, वही तो आपको बताना है।
तो लेकिन आपको रेट पता है कि 100/6% पर साल है, ये एक साल का है, 100/6 जो रेट आया है, देखो 6 साल में 100%, तो एक साल में 100/6%, एक साल में 100/6 है, तो बताओ 300% पाने के लिए कितना साल लग जाएगा, तो 300/100/6 इसने इसको काट दिया 3 बार में, और 36 18 वर्ष लगेगा आपको 4 गुना होने में। बात समझ में आ गई, 18 वर्ष लगेगा आपको 4 गुना होने में। चलो अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से समझो, ये तो आपने एकदम बेसिक तरीका समझा, होप कर रहा हूं कि आपको बेसिक भी समझ में आया होगा। थोड़ा सा मिटाने में समझते हो ना, बहुत दिक्कत होती है यहां पे, आप समझा करो बात को, समझदार हो आप काफी, पढ़ाई लिखाई करो ध्यान से, फालतू की बातों पे ध्यान मत दो, जो तुम्हारे साथ है आजकल नहीं रहेगा, ठीक है ना, भूल जाना, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा ठीक है ना भाई चलो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो भाई, ठीक है, फालतू का टाइम पे मत किया करो किसी के साथ, अपना सारा फोकस पढ़ाई लिखाई पे लगाओ, पढ़ लिख लोगे, कुछ ना कुछ कर लोगे, किसी ना किसी काम हो जाओगे, अगर नहीं भी कुछ कर पाओगे तो टीचर तो बन जाओगे एटलीस्ट, ठीक है। चलो एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा, देखो इसके लिए तरीका है T1/T2 बराबर में N1-1/N2-1, T1/T2 बराबर, T1 T2 दिया है ना, क्या दिया है, क्या पूछा है, पहले दिया है 6 वर्ष में दुगुना, तो T1 आपका दिया हुआ है 6 वर्ष में, T2 आपसे पूछा है कितने दिन में, 6 गुना कितना गुना, 2 गुना, N का मतलब है गुना, तो 2 गुना मतलब कि 2-1 डिवाइड बाई यहां पे कितना, 4 गुना, तो 4-1, तो 6/ T2 बराबर में 2-1 होता है 3 और ये 3, ठीक है, 36 18 यानी T2 बराबर आ गया 18 वर्ष, कितना आ जाएगा भैया, 18 वर्ष इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी बताओ, 18 वर्ष इज द राइट आंसर, आ गई की बात समझ में नहीं आई, जल्दी बताओ, आ गई समझ में, चलो चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, ये बात समझ में आ गई, मतलब ये वाला ट्रिक आपको लगाना है, 2 बार n गुना, 2 बार अगर n गुना दिया हुआ है तो T1/T2 बराबर में, T1/T2 बराबर में N1-1 N2-1, मतलब अगर शॉर्ट ट्रिक समझे तो, अगर इसको हम ट्रिक के लिए समझें डायरेक्टली, हम इस तरह से ना फॉर्मूला वामूला नहीं याद करें, डायरेक्टली समझे तो कैसे समझेंगे, देखो मैं बता देता हूं कैसे करना है आपको, है ना भैया, और वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करो, बहुत कम लोग रहते हैं वॉचिंग में, मजा नहीं आता मेरे को, ठीक है ना, और मजा नहीं आएगा तो काम नहीं होगा कोई भी, समझते हो ना बात को मेरी। देखो क्या करना है, 6 वर्ष दिया है, दूसरा समय पूछा है, 6 वर्ष में 2 गुना, 2 से कम करो 1, दूसरे समय में 4 गुना, 4 से कम करो 3, इसका मान आ गया 36 18, वही तरीका है लेकिन ट्रिक के रूप में। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना गुना, इस बार गुना ही पूछ दिया देखो मैंने अभी बताया 16 वर्ष में और 8 वर्ष में, 2 बार समय दिया है, यहां 2 गुना, 2 गुना का मतलब 2 से एक कम हुआ तो 1, कितना गुना मतलब N-1, इतना गुना, जितना भी गुना उससे कम करना पड़ेगा। अब ये इसने काट दिया इसको 2 बार में, ये इधर जाएगा, तो क्या कौन किधर जाएगा यार, देख लो किधर जाएगा, ये हो जाएगा 2N-2 बराबर में 1, ये उधर चला जाएगा, तो 2N बराबर में 3, N बराबर 3/2, 1 सही 1/2, इतना गुना होगा ऑप्शन नंबर बी। अरे तरीका तो वही है ना, बताओ क्या सिखाया था, यही तो सिखाया था, T1/T2 बराबर में N1-1/N2-1, वही है तरीका, बस उसी को ट्रिक के ट्रिक में लिख दिया कि पहला टाइम बटे में दूसरा टाइम, पहले का गुना माइनस वन कर दो, दूसरे का गुना माइनस वन कर दो, बस वही तरीका तो सिखाया, कुछ भी अलग थोड़ी है। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुना, उसी दर पर 300 रुपया कितने वर्ष में 24 गुना हो जाएगा सवाल को घुमा दिया, देखो अब गुना वाले सवाल कर रहे हैं, आप खाली गुना वाले कर दें तो थोड़ी काम बनेगा, अब गुना में भी किस तरह के पैटर्न के सवाल बन सकते हैं, जैसे देखो यहां पे तो आपको सीधा सीधा एक लाइन बोल दिया कि इतना गुना होता है, दूसरे लाइन में 300 रुपया 2400 हो जाएगा ऐसा आपसे पूछा है, 300 रुपया 2400 हो जाएगा ऐसा आपसे पूछा, चलो देख लेते हैं,
देखो भैया, पहला कितना है 5 वर्ष में, और दूसरा आपसे पूछा है कि उसी दर से कितने वर्ष में, टी टू आपसे पूछ दिया है, बराबर। पहला कितना दिया है, दूना हो जाता है, ट्वाइस ट्वाइस दूना, दूना हो रहा है तो एक कम करो, दूना में से एक कम किया तो एक। दूसरा अच्छा, 300 रुपया 800 रुपया हो रहा है, सॉरी 300 रुपया 2400 हो रहा है, यानी कितना गुना हो रहा है आप बताओ। तो आप कहोगे सर ये तो 8 गुना हो रहा है, नहीं 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 हाँ 3×8=24, 8 गुना हो रहा है, मतलब दूसरा 8 गुना हो रहा है, 8 से एक कम करो 7, टी टू बराबर 7×5=35। और एकदम आसान सवाल है भैया, एकदम आसान है, आप आसानी से लगा सकते हो, लॉजिकल है एकदम आपके लिए। गुना वाली कहानी चल रही है, गुना की जगह आपको सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजिया दिया, कंफ्यूजिया दिया का मतलब 300 का 2400 दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो गए कि अरे यार 300 का 2400 ये कैसे करेंगे, तो ये भी तो कहीं ना कहीं गुना ही है, चाहे बटे में गुना होगा चाहे डायरेक्ट गुना होगा, कैसे भी करके गुना तो होगा ही किसी ना किसी का, बस वही गुना यहां पे करना था, वही कहानी है T1/T2 बराबर में N1-1 N2-1, वही कहानी है। अब यहां देखो, डायरेक्ट ट्रिक के रूप में जब आप इसको लगाओगे तो आपको वो ट्रिक मैंने क्या सिखाया, मैंने ट्रिक जो आपको सिखाई मैंने क्या सिखाया, मैंने कहा आपसे कि देखो 5 वर्ष में दूना हो जाता है तो उसी दर से 300 रुपया कितने वर्ष में 2400 हो जाएगा, उसी दर से 300 रुपया कितने वर्ष में 2400 हो जाएगा। अब समझो मेरी बात को कि 300 रुपया 2400 हो रहा है, 300 रुपया 2400 हो रहा है, आपसे ये बोला है, ठीक है। चलो अब मेरी बात को समझ लो ध्यान से, 300 रुपया अगर 2400 हो रहा है तो इसका मतलब कि 8 गुना हो रहा है, तो पहला तो आपको पता है कि 5 वर्ष में, दूसरा आपको समय पूछा है मतलब दूसरा समय पूछ दिया है, पहले में दिया है दुगना, दुगना से कम करो तो एक, और यहां पे हो रहा है 8 गुना, 8 गुना से कम करो तो 7, 7×5=35, समय आ गया। अगला देखो, यदि कोई धन 2 वर्षों में 2100, 5 वर्षों में इतना, अब यहां से गुना वाले सवाल हट गया, थोड़ा सा अजीब टाइप के आ गया, देख लो, कोई धन 2 वर्षों में 2100, 5 वर्षों में 2250 बन जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ यहां से देखो, एक रहा होगा आपका प्रिंसिपल, ये 2 वर्ष में कितना हो रहा है 2100 रुपया हो रहा है, और आने वाले तथा 5 वर्ष में, अच्छा यहां से 5 वर्ष है, यहां से 5 वर्ष है, तो यहां से कितना होगा 3 वर्ष होगा, ठीक है ना, 3 वर्ष में कितना हो रहा है 2250 हो रहा है, ठीक है भैया, 3 वर्ष में 2250 हो रहा है। अब यहां से मेरी बात को समझो, 3 वर्ष दिया है कि क्या दिया है, समझ लो पहले, If any amount in 2 years is 2100 and next 5 years is इतना, rate of becomes, अच्छा if the rate, ये छोड़ो अंग्रेजी को मार दो गोली, यदि कोई धन 2 वर्ष में 2100, 5 वर्ष में 2250 बन जाता है, ब्याज की दर 5 वर्ष में, मतलब स्टार्टिंग से 5 वर्ष में, मतलब यहां से 3 गुना, सही है कहानी। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को, अच्छा बताओ ये 2100 से 2250 जाने में कितने का डिफरेंस आया है, 2100 से 2250 जाने में 150 का डिफरेंस आया है, कितने साल में, सॉरी एक साल का सीआई, ये कितने साल का सीआई है आप बताओ, 2100 से 2250 जाने में 150 का सीआई आया, एसआई आया, सॉरी 150 का एसआई, कितने साल में 3 साल में, तो 3 वर्ष का एसआई, 3 वर्ष का एसआई आपका 150 रुपया है, तो 1 वर्ष का एसआई कितना आएगा, 1 वर्ष का एसआई आप बताओ, 1 वर्ष का एसआई कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 150 बटे में कितना 3 साल का था, तो 3 यानी 1 साल का एसआई आ गया 50, 1 साल का ऐसा ही आ गया 50। अच्छा 2 साल में 2100 रुपया हो रहा था, 2 साल में 2100 रुपया हो रहा था, तो 2 वर्ष का ऐसा ही बता दो जरा, 2 वर्ष का ऐसा ही, तो 50×2 यानी 100 रुपया का 2 साल का ऐसा ही रहा होगा, मतलब कोई धन 2 वर्ष में 2100 हो जाता है, यहां पे लिखा हुआ है कि कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपया हो जाता है, आपको यह पता चल चुका है कि 2 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 100 रुपया आएगा, यानी प्रिंसिपल कितना रहा होगा, प्रिंसिपल 2100 रुपया हो जाता है लेकिन उसमें से 100 रुपया ब्याज है, यानी प्रिंसिपल आपका 2000 रुपया रहा होगा, कितना रुपया रहा होगा 2000 रुपया रहा होगा आपका प्रिंसिपल, आपसे रेट पूछा है, रेट ऑफ परसेंट आपसे पूछा है ना, आप बताओ 1 साल का एसआई कितना रुपया है, 50 रुपया है, आप बता दो मेरे को यहां से जरा कि 1 साल का एसआई आपका कितना है 50 रुपया है, 50 रुपया आप 1 साल में कमा रहे हो, तो आपका रेट कितना बना, 50×2000×100, ये 20 से 20 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी कि 2.5 आया,
बन गया आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझोगे तभी आएगा। इस तरह का सवाल बहुत इजी सवाल है, कहने का मतलब बहुत इजी है, मैं आपको बस बेसिकली समझा इसलिए इतना बड़ा, अभी बताऊंगा शॉर्टकट कैसे करेंगे। समझ में आ रही कि नहीं बातें? देखो ध्यान से, फिर से समझो ध्यान से मेरी बात को। यदि कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपया हो जाता है, 5 वर्ष में 2250 रुपया हो जाता है, 2 वर्ष में 2100 रुपया, 5 वर्ष में 2250 रुपया, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ब्याज की दर। अच्छा देखो, अगर 2 वर्ष में 2100 हो रहा है और 5 वर्ष में 2250 हो रहा है, यानी कि यहां से तो नेक्स्ट 3 ही साल बढ़ा ना, यहां से कितना साल बढ़ा? 3 साल बढ़ा, यानी कि यहां से भले 5 साल है, देखो ये वाला जो अमाउंट है वो यहां से 5 साल है, लेकिन यहां से कितना साल है? तो 3 ही साल है, यानी ये जो आपको 2100 और 2250 का जो डिफरेंस आ रहा है 150 रुपए का, ये 3 वर्ष का एसआई है। तो 1 वर्ष का एसआई कितना आ जाएगा? 150 बटे में 3, यानी कि 150 बटे 3 मतलब कि 50 रुपए का एसआई आया 1 साल का। 1 साल का एसआई 50 रुपए का है, तो 2 वर्ष का एसआई, आप 2 वर्ष का एसआई क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि ये वाला धन आपका 2 वर्ष में 2100 रुपया हुआ, इसलिए 2 वर्ष का एसआई निकाल रहे हो। तो 2 वर्ष का एसआई कितने का बना? 100 रुपए का। जो 2100 रुपया आपका अमाउंट हुआ था, जो ये दो धन 2100 रुपया हुआ था 2 साल में, जिसमें से 100 रुपया तो ब्याज है, यानी प्रिंसिपल रहा कितना होगा? आपका प्रिंसिपल कितना रहा होगा? आपका मूलधन कितना रहा होगा? तो 2100 में से 100 रुपया निकाल दिया, यानी कि आपका 2000 रुपये का प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है, अब 2000 रुपए का अगर प्रिंसिपल रहा होगा तो रेट परसेंट आपसे पूछा है। क्या पूछा है आपसे? रेट परसेंट पूछा है। अब रेट परसेंट कितना आएगा आप बताओ? आप बताओ रेट ऑफ परसेंट कितना आएगा? तो 50, 1 साल का एसआई कितना है? 50, आप 1 साल में 50 रुपए का ब्याज कमा रहे हो, तो 50 रुपए के ब्याज के हिसाब से 2000 रुपए आपका कितने का रेट बन रहा है? तो 2000 पे 50 रुपए का ब्याज है, तो 50 बटे 2000 गुणे 100, यानी कि आपको 2.5% का ब्याज मिल रहा है। बात समझ में? आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, समझो ध्यान से मेरी बात को, है ना भैया? थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, जितने लोग देख रहे हो फटाफट लाइक करो, बहुत कम लोग हैं लाइक में। अच्छा एक बात बताओ, तुम लाइक नहीं करोगे तो मजा कैसे आएगा? त्योहारों का सिलसिला है, ठीक है ना, लाइक तो करना बनता है मेरे भाई, वरना लाइक नहीं करोगे तो हमें भी मजा नहीं आएगा और तुम्हें भी मजा नहीं आएगा। आज जब मजा नहीं आएगा तो जिंदगी में जब मजा नहीं आता तो कुछ नहीं किया जाता, ये भी याद रखे रहना, ठीक है ना? तो मजा करना और याद करना, मतलब लाइक और शेयर करना बहुत जरूरी है। कुछ बातें होती हैं जो जिंदगी में बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, वो कौन सी बातें? एक तो पढ़ाई लिखाई की बातें, दूसरी कौन सी बातें? मेरी वीडियो को शेयर करना। नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो आपको फ्री में पूरी यूट्यूब पढ़ा दे, पूरी मैथ पढ़ा दे। बात समझ में है ना? चलो प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, पूरी 80+ वीडियोज़ हैं, 80+ वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में, पूरी अर्थमेटिक आपको पढ़ा रखी है। जिस भी बच्चे को किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है वो पूरा अर्थमेटिक पढ़ सकता है स्टडी 91 पे। स्टडी 91 की प्लेलिस्ट में जाओ, पूरा अर्थमेटिक नंबर सिस्टम, परसेंटेज से वैसे पढ़ना, नंबर सिस्टम का अभी कुछ खाली प्रैक्टिस कराया है, तो परसेंटेज से लेके पूरी कहानी आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया है, मस्त हो जाओगे पढ़ के। नोट्स बना लिया ना तो जिंदगी भर काम आएगा। बात समझ में? कब कहाँ तक काम आएगा? जिंदगी भर। शादी करने के बाद बच्चे भी तुम्हारे उसी नोट्स से पढ़ेंगे, कहोगे वाह गुरु जी आपके सर तो बड़े अच्छे थे, बड़ी प्यारी नोट्स बनाए थे। चलो देखो, 2 वर्ष में 2100 रुपया ना प्रिंसिपल, देखो 100 रुपये आपका प्रिंसिपल है, 2 साल में 2100 हो रहा है, यानी 3 साल में, बाकी के 3 साल में, ये 2 साल की कहानी है, ये 2 साल की कहानी है, और 3 साल में 2250 हो रहा है। ये भले 5 साल दिया हुआ है, ये 5 साल दिया हुआ है, लेकिन वो प्रिंसिपल से 5 साल है, जबकि 2100 से 3 ही साल है, यानी 3 साल का ब्याज कितना आया? यहां से एसआई बता दो कितना आया, 150, 150 का एसआई आया 3 साल में, 3 साल में 150 का, मतलब कि 1 साल का, 1 वर्ष का, देखो वही तरीका है, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 50, तो यहां से 2 साल इससे कम कर दो, 2 साल माइनस में 2 वर्ष जाएंगे, 2 वर्ष जाएंगे, यानी 50 गुणे 2, यानी 100 रुपया इसमें से माइनस कर दो, 100 रुपया माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2000, 2000 रुपया का आपका प्रिंसिपल आ गया, 50 आपका 1 साल का है, तो आसानी से लगा सकते हो, इजी सवाल है। यदि कोई धन 5 वर्षों में 10,000 हो जाता है और 7 वर्षों में इतना हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ। अब यहां से देखो, यहां से देखो, यहां समझो, यहां समझो कि अब वही कहानी है, प्रिंसिपल है आपका यहां पे, ये यहां से 5 वर्ष में, 5 साल में 10,000 हो जाता है ऐसा लिखा हुआ है, और आने वाले 7 साल में कितना हो जाता है 10,800 हो जाता है, यानी कि आने वाले 7 साल नहीं, 7 साल में नहीं, यहां से कितना साल लगेगा? 2 ही साल तो लगेगा, इसको यहां से लग रहा है 7 साल, मतलब आपको यहां से 2 ही साल लगेगा, तो 2 साल में आपको कितने का एसआई मिला आप बताओ? आपको 2 साल में एसआई कितने का मिला? 800 रुपए का मिला, 2 साल में आपको 800 रुपए का एसआई मिला, 800 रुपए का एसआई मिला, तो 1 वर्ष का एसआई बताओ,
₹400 आ जाएगा दो साल में। आप ये कितने का है, ये 2 years का है ना, ये 2 years का है, तो एक साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा 400। यहां आपका 5 साल में, मतलब यहां से माइनस में 5 साल चलेंगे, 5 साल का मतलब 400 गुणे में 5, 4 × 5, 4 × 5, 20, ₹2000 माइनस करना पड़ेगा। 2000 माइनस करोगे तो यह कितना आ जाएगा प्रिंसिपल आपका, 2000 माइनस कर दो जरा, ₹8000 आ जाएगा। ₹8000 क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ₹8000 क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। आपसे क्या पूछा, ब्याज की दर, आपका ब्याज कितना है, एक साल में ₹400 का ब्याज है, ₹8000 आपका प्रिंसिपल है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हैं कैसे, 400/8000 गुणे में 100, 20 से 20, 0 से 0, 8/5, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बना। कितने साल का, कितने परसेंट का बना, 5% का। बहुत ही प्यारा सवाल है भैया, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं हमेशा, ठीक है ना, तो रेडी रहना इस तरह के सवालों के लिए। अगर ऐसा सवाल बनेगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा, अच्छा एक बात बताओ, मैं कैसे कह रहा हूं कि दो साल का, ये दो साल का ₹800 है, ये दो साल का ₹800, तो एक साल का, क्योंकि ऐसा ही हर साल सेम होता है, इसीलिए ये कहानी बन रही है। अगर सीआई होता तो ऐसा नहीं होता, वो जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। यहां समझिए, यदि कोई साधारण ब्याज को एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4000 और 4 वर्ष 6 माह में ₹5500 हो जाती है साधारण ब्याज की दर, एसएससी सीजीएल मेंस 2016 का एक क्वेश्चन है। देखो यहां से समझो, आपका ये प्रिंसिपल है, ये कह रहा है कि 2 वर्ष में 4000 होता है और यहां से और 4 वर्ष 6 माह में, अच्छा 4 वर्ष 6 माह का मतलब कितना हुआ, यहां से 4 वर्ष 6 माह, देखो यहां से यहां तक जाने में 4 वर्ष + 6 माह है, ठीक है ना, यही ना कहानी है। यदि कोई धनराशि, यहां से समझो, यदि कोई साधारण ब्याज को एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4000 और 4 वर्ष 6 महीने में ₹5500, तो 4 वर्ष 6 महीना प्रिंसिपल से लेके यहां तक है, जबकि एक ब्याज के बाद दूसरे ब्याज तक कितना समय लगेगा आप बताओ, यहां से 2 साल 6 महीना लगेगा, है ना, ये वाला ड्यूरेशन जो है वो 2 साल 6 महीने का है। 2 साल 6 महीने का मतलब 2 सही 1/2, तो 2 सही 1/2 का मतलब कितना हो गया, 2 × 4 = 5/2 साल, 5/2 साल में कितना हो रहा है, ₹5500 हो रहा है, ठीक है ना। यानी यहां से बताओ कि ब्याज कितना आया, आप मेरे को बताओ यहां से कि ब्याज कितना आया, तो आप कहोगे सर यहां से एसआई कितने साल का, 5/2 साल का एसआई कितना आएगा, 5/2 साल का एसआई इसमें से इसको घटाओ, 5500 में से 4000 घटाओगे तो ₹1500 आया। 2 साल का एसआई कितना आया, ₹1500 आया। तो बताओ 1 साल का एसआई कितना आएगा, 1 साल का एसआई, अब 5 से इसको काट देंगे ना भैया, यहां से देखो 5 से काट दिया इसको 300 बार में और 3 × 600, 1 साल का एसआई आया 600, है ना। देखो ये 1500 का ब्याज बना था यहां से कितने साल में, 5/2 साल में, 5/2 साल में 1500। अब ये 5/2 कहां से आया, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। देखो यदि कोई साधारण ब्याज को एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4000 और 4 वर्ष 6 माह में ₹5500, तो स्टार्टिंग से पी से मतलब यहां से 4 वर्ष 4 महीना यहां से लेकर यहां तक जाने में 4 साल 6 महीने का समय लगा है, ठीक है ना, यहां से यहां तक ये 4 साल 6 महीने का समय कहां है, स्टार्टिंग से लेकर यहां तक जाने में, जबकि यहां से लेकर यहां तक आप 2 साल चल चुके हो, तो खाली यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना समय है, 4 साल 6 महीना में से 2 साल घटा दोगे तो 2 साल 6 महीना बचेगा, 2 साल 6 महीने का मतलब 2 सही 1/2, 6 महीने का मतलब आधा साल, तो यानी 2 × 4 = 5/2 साल, तो 5/2 साल का एसआई 1500 का बन रहा है, 4000 और 5500 में 1500 का डिफरेंस है तो 1500 का बन रहा है, तो 1 साल का एसआई कितना आएगा 600, 1 साल का एसआई कितना आ जाएगा 600, यह आ गया 1 साल का एसआई। अब समझो मेरी बात को, 1 साल का एसआई आपका आ गया ₹600, 1 साल का एसआई कितना आ गया ₹600 आ गया। अब मेरी बात को समझ लो, हाँ 1 साल का एसआई आ गया, अब यहां से 2 साल का बताओ जरा, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, ये आपका एसआई है, 2 साल का एसआई मतलब ये 2 years का, तो 6 × 1200
1200 रुपया आपको इसमें से माइनस करना होगा, तो आप यहां पहुंच जाओगे 1200 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 2800 रुपया। 2800 रुपया आपका क्या है? प्रिंसिपल है। आपसे रेट पूछा है, आपसे क्या पूछा है? रेट पूछा है, तो रेट यहां निकाल दो। 2800 है आपका और ब्याज आपका कितने का है? 600 है, गुड़े में 100, ठीक है ना भैया। अब यहां से काट पीट के आंसर ला दो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। 20 से 20 खत्म हो गया। 4 से काट दिया 7 बार, 4 से काट दिया 150 बार में, तो 150 को 15 दुनी के 14, 7 दुनी के 14 कितना बचा? 1, 7 एकम 7 और अरे यार 3, 21 सही 3/7% का रेट बनाए। 21 सही 3/7% बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर सवाल चाहे कितना भी घुमाए आप लगा सकते हैं। देखो मैं सिर्फ आपको समझाने में समय लेता हूं, जब लगाना होगा तो आप बहुत आसानी से लगा लोगे, बिल्कुल समय नहीं लगेगा आपको, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट है। बस यहां पे साल को ईयर्स में कर दिया था, महीने में कर दिया था, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से लगाओगे, कॉन्सेप्ट से लगाओगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। बस यही तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। अगला सवाल देखो, 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपया कितने वर्षों में 81 रुपया हो जाएगा? देखो 72 रुपया कितने वर्षों में 81 रुपया हो जाएगा, ठीक है, कितने वर्षों में इतना हो जाएगा। अब यहां से समझो, इस सवाल को लगाने का बहुत आसान तरीका, रेट आपको कितना दिया है? 6 सही 1/4% 6 चौक 24 एक 25 25/4। अच्छा इसको 25/4% है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 25/4 गुणे में 1/100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/16। यानी कि जो आपका रेट था 6 सही 1/4% वो कितना है एग्जैक्टली में? 1/16 है। और आपको पता है कि जो नीचे है वो क्या है? वो प्रिंसिपल है। देखो ये जो नीचे है वो क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है? 16। और एक क्या है आपका? ब्याज है, जो कि 1 साल का है, ठीक है। और यहां से आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा? 17। अच्छा बताओ, आपको कह रहा है कि 72 रुपया कितने वर्षों में 81 रुपया हो जाएगा, आपसे यह बोला है कि 72 रुपया कितने वर्षों में 81 रुपया हो जाएगा, आपसे वर्ष पूछा है। अच्छा बताओ, यहां से आपका ब्याज जो आ रहा है, यहां समझो मेरी बात को समझ लो ध्यान से, 72 रुपया 81 रुपया हो जाएगा, यानी ब्याज कितने का आ रहा है? 9 रुपए का ब्याज आ रहा है। 9 रुपए का ब्याज आ रहा है। कितने रुपए का ब्याज आ रहा है? 9 रुपए का ब्याज आ रहा है। समझ लो मेरी बात को, ध्यान से समझोगे तभी सवाल आएगा। कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत जरूरी होता है, समझो ध्यान से। रेट आपको 6 सही 1/4% दिया है, तो 6 सही 1/4% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 6 चौक 24 एक 25/4%, तो ये आ जाएगा 25/4 का मतलब 1/100, यानी कि 1/16। ये फ्रैक्शनल वैल्यू आपको चेंज करना आता है, ठीक है ना। तो 1/16 मतलब जो आपका रेट 6 से 1/4% का था वो 1/16 है, यानी आपको अमाउंट कितने का मिल रहा है? 17 का अमाउंट। यानी 1 साल में, यहां से देखो आपको ये जो SI मिल रहा है, यहां से जो SI मिल रहा है, SI कितने का है? 1 रुपए का। 1 रुपए का SI है। आपसे पूछा है 72 रुपया कितने वर्षों में 81 रुपया हो जाएगा, यानी कि यहां पे आपको SI कितने का मिल रहा है? 9 रुपए का मिल रहा है। कितने रुपए का मिल रहा है? 9 रुपए का मिल रहा है। यहां से समझ लो, एक मिनट, चलो यहां से देखते हैं। 16 का अनुपात दिया हुआ है, समझो ध्यान से मेरी बात को। 16 का अनुपात अगर 72 है, सपोज करो 72 रुपया है, 16 का अनुपात है 72, तो यहां से 17 का अनुपात 81 बनेगा फिर, तो है ना, यानी कि मामला गड़बड़ हो रहा है। फिर से देख लेते हैं जरा, 6 सही 1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपया कितने वर्षों में 81 रुपया हो जाएगा, यानी आपको 9 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 9 रुपए का ब्याज मिल रहा है 72 रुपए पे। अरे इसको तो डायरेक्टली ऐसे भी लगाया जा सकता है यार, ये देखो, पहले ये तरीका भी बता दूंगा, पहले एक सिंपल तरीका सीख लो, ठीक है ना, फिर इसको भी बता देता हूं, अभी सब बता दूंगा, मत परेशान हो। देखो ध्यान से, आपको ब्याज कितने का मिल रहा है आप बताओ, यहां से ब्याज आपको कितने का मिला? 9 रुपए का। SI आपको कितने का मिला? 9 रुपए का। 9 रुपए का SI मिला। SI बराबर क्या होता है बताओ? SI बराबर होता है PRT/100। डायरेक्टली ऐसे भी लगा सकते हो, यहां से समझो, SI आपको 9 का है, प्रिंसिपल आपका 72 का है, और R आपका नहीं, आप R आपको दिया हुआ है 6 चौक 24 एक 25/4,
और गुणे में समय आपसे पूछा और यहां 100 भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट करना है सिर्फ, ठीक है ना। अब यहां से देखो 25 ने काट दिया इसको चार बार में, ठीक है। 9 ने काट दिया इसको आठ बार में, चार चौको 16, इसने इसको काट दिया दो बार में, दो ने इसको काट दिया दो बार में, टी बराबर दो इधर आएगा, दो वर्ष का समय हो जाएगा। एकदम आसान तरीके से आपने लगा लिया है ना, एकदम इजी तरीका, मतलब बिना फ्रैक्शन में चेंज किए आप नॉर्मली इसको ऐसे ही लगा लिए, बात समझ में आ रही है, ऐसे ही लगा लिए बिना किसी फ्रैक्शन, बिना कोई तरीका यूज किए, ठीक है। समझो ध्यान से, फिर से समझो, SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है, PRT/100 होता है। प्रिंसिपल आपका 72 रुपया दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल आपका 72 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6/1/4% दिया हुआ है, तो 6/1/4% मतलब 25/4 हो गया, इंटू में टाइम ड्यूरेशन टी आपसे पूछा है और यहाँ पे SI भी आपको 9 रुपए का दे दिया है, तो आपने यहां से सिंपल टी का मान निकाल लिया 2 वर्ष। कितना मान निकाल लिया आपने? 2 वर्ष। एकदम सिंपल तरीका यूज करके जब आपने PRT रखा तो वहां से आपका मान निकल के आ गया, ठीक है, ठीक है, मान निकल के आ गया। अब यही तरीका आया, एकदम सिंपल सा तरीका आपने लगाया, एकदम सिंपल सा तरीका लगाया मेरे भाई। देखो चलो ये तरीका अब इसी से लगा लो, क्या मतलब है इसी से लगा लो, अभी वो भी तरीका बता दूंगा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं फिर से। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपया कम है, यदि 16/2/3% का ब्याज की दर हो तो आपका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपया कम है, यदि ब्याज की दर 16/3/4 है। अब यहां से समझ लो मेरी बात को, आप बताओ आपका SI कितने का बनेगा? RT% का बनेगा। RT% कितने का? RT% का बन रहा है। 4 वर्ष का समय दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 16/2/3% का, तो 4 गुणे में देखो 16/2/3 का 16 3 48 2 50, 50/3 गुणे में 4 साल, इतने का आपका SI बन रहा है। SI कितने का बना बताओ? 50 × 5 × 20, 200/3%, 200/3% का आपका SI बना। कह रहा किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपया कम है, मतलब ये जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है? 100% है, ठीक है। प्रिंसिपल से ये वाला जो अमाउंट है वो 2200 रुपया कम है, इसका मतलब यहां से समझो, अगर हम प्रिंसिपल में से SI के मान को माइनस कर दें तो 2200 रुपया आ रहा है। प्रिंसिपल का मान कितना है आप बताओ? 100%। 100% में से आप 200/3% को माइनस करोगे, बराबर में कितना आ जाएगा? 2200 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां से समझो, ये 300/200 मतलब 300 - 200 यानी 100/300, 100/3% का मान 2200 आया, ठीक है भैया। अब यहां से देखो, अभी इसका सिंपल तरीका भी बता रहा हूं, ये 100 से 200 कट गया, 1% का मान कितना आ गया? 22 × 3 = 6600, 1% का मान कितना आ गया? 66। अब आपसे क्या पूछा है? साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज तो यही है 200/3%, SI बराबर 200/3%, तो 200 × 66 / 3, 3 से काट दिया 2 2 22, 22 × 2 = 4400 रुपया, 4400 रुपया ये इसका बन गया आंसर। तो आपने सिंपल लगा लिया एकदम सिंपल तरीके से, बात समझ में आई? कैसे लगा लिया आपने? एकदम सिंपल तरीके से आपने लगा लिया इसका आंसर, कि आपका आंसर बन गया भैया कितना बन गया? 4400 रुपए। कैसे लगाया? देखो SI बराबर क्या होता है? RT% होता है। यहां से देखो 50/3 का आपका रेट बना है, 50/3 का आपका रेट बना है, क्योंकि 16 3 48 2 50, 50/3 का आपका रेट बना है 4 साल के लिए, तो गुड़े में 4 कर देंगे, यानी कि SI आपका कितना बना? 200/3%, यह आपका सिंपल इंटरेस्ट बन गया है ये, और प्रिंसिपल आपका 100% है। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है कि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपया कम है, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है उससे 2200 रुपया कम है, ऐसा आपसे बोला है, ठीक है ना। तो अब यहां से समझो, प्रिंसिपल आपका 100% है, आपका SI जो आया वो 200/3% आया है, तो इसका मतलब 100 और 200/3% का मान ही 2250 रुपया दिया है। प्रिंसिपल से SI को कम कर दोगे तो 2200 रुपया आ जाएगा, 100 - 200/3% किया आपने तो ये 2 इतना आ गया, इसको सॉल्व किया तो 1% का माना गया 66, आपसे SI पूछा था, SI यहां पे दे रखा है,
ठीक है, एसआई यहां पे दे रखा है। अब इस सवाल को थोड़ा सा और आसानी तरीके से करते हैं, थोड़ा इजी कैलकुलेशन के साथ करते हैं। देखो ध्यान से, इसमें तो काफी कैलकुलेटर हमने यूज कर दिया है ना, आप समझते हैं ध्यान से। देखो क्या होता है ना, कभी कभी सवाल क्या होता है, कई तरीके से लगाया जाता है, एक ही सवाल को लगाने के कई सारे तरीके। अब आपके दिमाग में कौन सा तरीका घूमता है, कौन सा तरीका जानते हो आप, या कौन सा तरीका उस समय काम आया दिमाग में, बस वही लग जाता है। कभी कभी मुझे ही एक ही सवाल के कई सारे तरीके आते हैं, कभी कभी पता चलता है कि केवल एक ही तरीका आ रहा है जो बेसिक तरीका। और बेसिक जब तरीका, अगर आपको बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर दुनिया में कभी किसी सवाल में आप फंस नहीं सकते। बासन में ट्रिक व्रिक तो आती जाती रहती है, बट बेसिक आपका कॉन्सेप्चुअली बहुत मजबूत होना चाहिए। अब देखो जैसे इसकी बात करें, 16 से रेट आपको कितना दिया, 16 से 2/3%। 16 से 2/3% का मतलब कितना हो गया, 16 × 48 = 50/3। माने इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/6 आएगा। कितना आएगा, 1/6 आएगा। चलो यहां से समझो, जो एक है वो क्या है, एसआई है, और जो 6 है वो क्या है, प्रिंसिपल है। एक क्या है आपका, एसआई है, और 6 क्या है, प्रिंसिपल है। 4 साल के लिए बात किया है, तो यहां से जरा मेरे को बताओ कि 4 साल का एसआई कितना होगा। 1 साल का एसआई 1 है, तो 4 साल का एसआई आप बताओ, 1 साल का एसआई 1 है, तो 4 साल का एसआई 4 हो जाएगा। और ये 6 क्या है, ये तो प्रिंसिपल है, सबको पता है, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका एसआई आ गया। अब आपको एक बात बताओ, ये आपका एसआई आ गया 4 साल के लिए 4, और आपका प्रिंसिपल आ गया 6। आपसे कह रहा है एसआई और प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना आया, 2 का अनुपात, और यही दिया है 2200 रुपया। तो 1 का अनुपात 1100 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है साधारण ब्याज कितना होगा, 4 साल का साधारण ब्याज, एसआई 4 है, 4 × 1100 = 4400 रुपया आपका एसआई आ जाएगा। कितना बन गया आंसर भैया, 4400 इज द राइट आंसर। एकदम आसानी से लगा रहे हो, कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ नहीं रखा है। बात समझ में आ रही है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर सवाल में कुछ नहीं रखा है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर बहुत कुछ रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो फिर से बता देता हूं। देखो 16 से 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/6। 1/6, 1 क्या है आपका एसआई और 6 क्या है आपका प्रिंसिपल। 1 क्या है आपका एसआई और 6 क्या है आपका प्रिंसिपल, यानी कि 1 साल का एसआई है, वो जो 1 है वो 1 साल के लिए, आपसे 4 साल का पूछा है, तो 4 साल का एसआई 1/4 यानी कि 4 हो जाएगा। 4 साल का एसआई 4 आ गया, और ए प्रिंसिपल आपका 6 है। आपसे बोला है कि जो प्रिंसिपल है वो एसआई, जो आपका एसआई है वो प्रिंसिपल से 2200 कम है। यहां से बताओ ये इससे कितना कम है, तो आपने कहा सर 2 के अनुपात में कम है, तो यानी 2 का अनुपात 2200 रुपया कम है। 1 का अनुपात 1100, आपसे एसआई पूछा, अगर खाली सिंपल इंटरेस्ट पूछता, प्रिंसिपल पूछता, तो प्रिंसिपल भी बता देते। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज, मूलधन से 4500 रुपया कम है। सेम टू सेम सवाल है। अब देखो, अब इसको लगाएंगे, आर बराबर कितना है, 12 × 1/2%। 12 × 1/2% का मतलब होता है 1/8। ये 8 क्या है आपका, प्रिंसिपल है। 8 आपका प्रिंसिपल है। 3 वर्ष की बात किया है, कितने साल की बात किया है, 3 वर्ष का। तो यहां से मेरे को एक बात बताओ कि 3 साल का एसआई कितना आ जाएगा, 3 साल का एसआई आप बताओ, 1 साल का एसआई 1 है, तो 3 साल का एसआई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपया कम है, यानी कि ये जो साधारण ब्याज है ये मूलधन से 4500 रुपया कम है, यानी ये कितना कम है, अंतर कितना आया, 5 का अनुपात। 5 का अनुपात ही 4500 रुपया के बराबर है, तो 1 का अनुपात कितना आ जाएगा, 900। आपसे क्या पूछा है, मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन तो यही है, यानी गुणे में 900 कर देंगे, 9 × 8 = 7200 रुपया, यानी 7200 रुपया आपका मूलधन आ जाएगा। प्रिंसिपल आपका कितना आ गया, 7200 रुपया, आंसर बन गया 7200 रुपया। उसी सवाल के जैसा कॉपी पेस्ट सवाल है, सेम टू सेम सवाल, ठीक है भैया, सेम टू सेम सवाल है, कॉपी पेस्ट सवाल है। तो एसआई एक ऐसा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर होता है, बहुत ही आसान। हर साल का एसआई सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे चलता है, आरटी परसेंट पे। हर साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका सेम होता है, सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लास समझ में आई, अगर पसंद आई है तो ये शायद आज का आखिरी सवाल है, ठीक है ना। एक और बात बता दूं कि अगर आप में से किसी को कोई भी समस्या है मैथ से रिलेटेड, कोई भी आपको इश्यू, आप मैथ के हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वो ग्रुप है टेलीग्राम पे, चैनल है शुभम सिंह मैथ्स, ठीक है ना, शुभम सिंह मैथ्स। आपको बस सर्च करना है, कहां पे सर्च करना है, आपको अपने टेलीग्राम पे सर्च करना है,
अपने मोबाइल में टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिनके पास नहीं है वो वहाँ पे शुभम सिंह मैथ्स सर्च कर लीजिए, आप मैथ्स के ग्रुप के साथ मैथ्स के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और सारे स्मॉल लेटर में हैं, सारे कैपिटल नहीं है कोई भी, सब लेटर स्मॉल है। एस एच यू होता है शुभम की स्पेलिंग, एस एच यू बी एच ए एम एस आई एन जी एच एम ए टी एच एस, ठीक है ना, और बिना किसी स्पेस के है। इसको सर्च कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना भैया। यहाँ से आप हमसे मैथ्स के ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आप अपनी क्वेरी ले सकते हैं, कौन सी क्लास कब क्यों नहीं चलती, क्या समस्या है, सारी जानकारियां वहां पे हम आपको देते रहते हैं, ठीक है भैया। तो ये आज आपका आखिरी सवाल था, होप करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, क्लास अच्छी लगी है, जम के पढ़ो, जम के मेहनत करो, जम के आगे बढ़ो, जिंदगी में यही ध्येय यही एकमात्र लक्ष्य रखो, तभी कुछ कर पाओगे। खुश रहो हमेशा और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो हमेशा, और अगर अच्छी लगी है तो जम के लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।